आखिर क्या है INX मीडिया, कैसे मुश्किल में फंस गए पी चिदंबरम, पी चिदंबरम का INX मीडिया केस से क्या लेना देना है, इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। बहुचर्चित INX मीडिया केस में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी के कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि अदालत के आदेश के कुछ घंटे बाद उनके आवास पर पहुंची CBI की टीम को वे वहां नहीं मिले। बुधवार सुबह फिर CBI की टीम उनके आवास पहुंची। संभावना जताई जा रही है कि इस केस में CBI और ED की टीम उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। प्रवर्तन निर्देशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की सड़क, वायु और समुद्र मार्ग से आवाजाही रोकने के लिए उनके खिलाफ नया लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। पी चिदंबरम का INX मीडिया केस से क्या लिंक है, अब आपको बताते हैं। पूरा मामला INX मीडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड यानी कि FIPB से गैर कानूनी तौर पर मंजूरी दिलवाने से जुड़ा हुआ। इसमें INX ने 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हासिल किया था। इस केस में गड़बड़ी की आंच कार्ति चिदंबरम के जरिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम तक पहुंची और 15 मई 2017 में CBI ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितताओं के चलते पहली FIR दर्ज की। इसके बाद साल 2018 में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया। अब आपको बताते हैं कि INX मीडिया केस में कब कब क्या हुआ। 15 मई 2017 CBI ने पहली बार INX मीडिया केस में प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप था कि साल 2007 में 305 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि पाने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी कि FIPB की मंजूरी पाने में अनियमितता बरती गई थी। उस समय कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे। INX मीडिया इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी से संबंधित कंपनी है। 16 जून 2017 केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी यानी कि FRRO और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर यानी कि LOC जारी किया। 10 अगस्त 2017 मद्रास उच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम और चार अन्य के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर पर रोक लगा दी। 14 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 22 सितंबर 2017 CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा करने से रोका गया था क्योंकि वह सबूत नष्ट करने के लिए कथित तौर पर अपने कई विदेशी बैंक खातों को बंद कर रहे थे। 9 अक्टूबर 2017 कार्ति चिदंबरम ने अपनी बेटी को एक विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए ब्रिटेन की यात्रा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह ब्रिटेन में किसी भी बैंक का दौरा नहीं करेंगे। पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार उनके और उनके बेटे के खिलाफ राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर प्रतिशोध ले रही है। 20 नवंबर 2017 सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को बेटी के प्रवेश के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति दी। 8 दिसंबर 2017 कार्ति चिदंबरम ने CBI द्वारा एयरसेल मैक्सिस डील मामले में उनके खिलाफ जारी समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 16 फरवरी 2018 कार्ति चिदंबरम के CA एस भास्कर रमन को भारत और विदेशों में उनकी संपत्ति का प्रबंधन करने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 28 फरवरी 2018 कार्ति चिदंबरम को विदेश से आने के तुरंत बाद CBI ने चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया और उन्हें बाद में दिल्ली लाया गया। 23 मार्च 2018 कार्ति चिदंबरम को 23 दिन जेल में बिताने के बाद जमानत मिली,
25 जुलाई 2018 उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से पी चिदंबरम को अंतरिम राहत दिया। 11 अक्टूबर 2018 ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत, ब्रिटेन और स्पेन में कार्ति चिदंबरम की 54 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। 11 जुलाई 2019 जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी गवाह बनने के लिए तैयार हो गई और एक जज के सामने रखी शर्तों को स्वीकार कर लिया। 20 अगस्त 2019 दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर